है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर लश्कर के शेखपुरी गांव से है, जहां एक निजी चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक सिंह से इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार के नाम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। खानपुर थाना पुलिस ने गोल्डी बरार के ऊपर रंगदारी मांगने की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि त्रिलोक सिंह ने खानपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 27 जून को उसके पास एक फोन कॉल आया, जिसमें उसे फोन करने वाले शख्स ने अपना नाम गोल्डी बरार बताते हुए उससे करीब 20 लाख रुपए की रंगदारी देने की मांग की। वहीं 20 लाख रुपए नहीं देने पर उसे और उसके परिवार को सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर पुलिस ने संबंधित धारा से मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जी, कल ये थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर खानपुर में जिनका हॉस्पिटल है, उनको धमकी मिली थी गोल्डी बरार के नाम से। 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी और जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनके द्वारा तहरीर दी गई और इसमें खानपुर पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें हम लोग द्वारा SOG को, साइबर सेल को, हम लोगों द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है। जैसी भी इसमें कार्रवाई प्रगति होती है वो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये लगभग 6 महीने पहले मुझे एक कॉल आई थी व्हाट्सएप के थ्रू, तो उस टाइम मेरे से 20 लाख रुपए मांगा इन लोगों ने, तो मैंने इस कॉल को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया कि मुझे लग रहा था कि शायद फ्रॉड कॉल है, तो कोई ज्यादा हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब 3 दिन से मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं जिसमें मुझे जान से मार देने के लिए या मेरे बच्चे को किडनैप करने के लिए, बच्चे को मार देने के लिए बार बार मुझे बोल रहा है कि बच्चे को मार दूंगा, तो जरूर गोली मार दूंगा, बच्चे को उठा के ले जाऊंगा इस चीज के, और 20 लाख रुपए की मांग कर। मैंने लक्सर कोतवाली में भी इन्फॉर्मेशन दिया है और अपनी बाजार में चौकी है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है और खानपुर थाने में मेरा जो मुकदमा दर्ज हो चुका है, SO साहब है मनोहर भंडारी जी, उन्होंने कल ये केस रजिस्टर्ड कर दिया है और पुलिस मुझे लग रहा है इस्तेमाल। काशीपुर में नगर निगम की तरफ से करीब 100 पात्र लोगों को PM आवास योजना के तहत मकान के पत्र सौंपे गए। मकान के प्रपत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं इस मौके पर मेयर उषा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हर बेघर के पास घर हो और आज इसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काशीपुर नगर निगम अभी तक 796 मकानों के प्रपत्र जारी कर चुका है। इसी कड़ी में अब 100 लोगों को बुलाया गया है और इसी तरह 100 लोगों को बुलाया जाएगा। खबर काशीपुर से है, जहां 100 पात्र लोगों को प्रपत्र सौंपे गए हैं। PM आवास योजना के तहत ये प्रपत्र सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि प्रपत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। जिन लोगों को था आज तक कभी छत नहीं मिली रहने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको आज इतना अच्छा अवसर मिला है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मीडिया ने कार्यक्रम में हमारे लाभार्थी भाई बहन, इस योजना के बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा क्योंकि इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार के स्तर से एक योजना बनाई गई कि ऐसे लोग जिनके पास जो है जमीन नहीं है, भूमि है ही नहीं, उनको आवास की व्यवस्था दी जाए। तो आपको भूमि खरीदने की झंझट से भी गवर्नमेंट ने मुक्त कर दिया और कहा कि हम 6 लाख का एक आवास बनाएंगे, उस 6 लाख के आवास में हम 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी देंगे। ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि हर बेघर के पास घर हो और आज उसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काशीपुर नगर निगम ने 796 मकानों का प्रपत्र जारी किए जा चुके हैं, जो अभी कुछ समय पहले माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने 20 लोगों को देहरादून में बुलाकर अपने हाथ से उन्होंने प्रपत्र उनको दिए हैं और आज काशीपुर में 100 लोगों को हमने बुलाया है। हर 100-100 लोगों को हम लोग बुलाए यहाँ पर नगर निगम के अंदर बुलाएंगे और जो 796 जो मकान के प्रपत्र इन लोगों को मिले हैं, जो कि लॉटरी सिस्टम से मिला है। खबर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र से है, जहां एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है।
आपको बता दें कि एक गाय ने एक बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं बच्चे को बचाने के लिए आए एक बुजुर्ग पर भी गाय ने हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में आए दिन आवारा जानवर लोगों को परेशानी का कारण बनते हैं, लेकिन नगर निगम इस तरफ कोई ध्यान न देते हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर के नेगवाड़ में देर रात हुई भारी बारिश के चलते मलबा आने से कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद से स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन और नगर पालिका प्रशासन को सूचना दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को अलर्ट करने के बाद भी आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदारी अधिकारी और मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर जो जालियां लगाई गई हैं, वे इस आपदा का कारण बन रहे हैं और पहले भी नगरपालिका और एनएच को स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी, इसके बावजूद भी सड़क से जालियां नहीं हटाई गई और जिसका खामियाजा नगरवासियों को झेलना पड़ रहा है। देशभर में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं आज कोतवाली विकास नगर क्षेत्र के कुंजा ग्रांड गांव में विकास नगर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। गांव के चौक चौराहे पर कुल्हाड़ पुलिस चौक के प्रभारी प्रवीण सैनी पुलिस टीम के साथ तैनात रहे। वहीं प्रवीण सैनी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था की गई। ये ग्राम कुंजा ग्रांट है और ये यहाँ पर बड़े अच्छी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, शांति प्रिय माहौल है। हरिद्वार के शहरी और देहात क्षेत्रों की मस्जिदों और ईदगाहों में आज ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। बकरीद पर क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। वहीं ईद की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और हर एक गतिविधि पर पुलिस ने पैनी नजर बनाए रखी। क्षेत्र में ईद की नमाज के दौरान मस्जिद में के इमाम मौलवी और उलेमाओं ने आपसी भाईचारे और प्रेम भाव से ईद मनाने की नसीहत दी, साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न देने की अपील की। इस दौरान देश की तरक्की और खुशहाली की उन्होंने दुआएं मांगी। तरीके से नमाज की व्यवस्था अदा की गई और प्रशासन मुस्तैद रहा, प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, जिनका हम बेहद शुक्रगुजार हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से प्रशासन अपनी अच्छी और साफ सुथरी जो हमें मुहैया करा रहा है हमारी सेफ्टी, आशा करते हैं और हम सब शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर काम किया और देखरेख में और पूरी मुस्तैदी के साथ रहा। वहीं मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ये त्यौहार हमें कुर्बानी का जज्बा देता है, यानी अल्लाह के लिए कुर्बानी। अल्मोड़ा में मानसून की दस्तक को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। सभी तहसील और विकास खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिले में अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। इसके अलावा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारी पूरी हो चुकी है लगभग 75 के आसपास, जैसे कि हमारी पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की तैनात की जा चुकी है। 24 आवर्स भी ड्यूटी हम लगा चुके हैं। इरिगेशन और जल संस्थान, जल निगम और यूपीसीएल जितने हमारे विभाग हैं सभी 24 आवर्स अलर्ट मोड पे भी हैं और जो हमारे रिमोट एरियाज रहते हैं, राशन की दुकानें रहती हैं जहाँ पर राशन पहुँचाते हैं हम 3 महीने का, वो सब हमारा पहुँच चुका है। तो हम अब पूरी तरह से तैयार हैं, अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कभी भी होती है तो हमारी कोशिश रहेगी हम इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स करेंगे।
कमांडेंट एसडीआरएफ को सूचना मिली है कि मुनस्यारी से लगभग 80 से 85 किलोमीटर आगे मिलम में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया है, जिसे तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया जाना बहुत आवश्यक है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति का घर सड़क मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर पैदल की दूरी से अत्यधिक दुर्गम मार्ग पर है। ये क्षेत्र संचार से भी अनाच्छादित है। ऐसे में बुजुर्ग के रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता को देखते हुए जिला नियंत्रक कक्ष पिथौरागढ़ द्वारा एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम की सुबह सुबह ही मांग की कर ली गई। वहीं एसडीआरएफ टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र मुनस्यारी पहुंचाकर अग्रिम उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी भेंट की। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य में किए जा रहे कारगर प्रयासों के लिए सीएम की सराहना की। वहीं किसान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए सराहनीय काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, इसे राज्य में बढ़ावा मिलना चाहिए। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में किसानों की आय में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बाजपुर के किसान प्रतिनिधि और चीनी मिल के श्रमिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से भेंट की। उन्होंने सीएम से बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई आसवानी को लीज रेंट यानी पीपीपी मोड पर न दिए जाने को लेकर अनुरोध किया। वहीं इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। सीएम ने कहा कि बाजपुर चीनी मिल की सह इकाई आसवानी को लीज रेंट पीपीपी मोड पर दिए जाने से पहले किसानों के हितों को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। इसका पूरा परीक्षण करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के काम कर रही है। वहीं सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहारदाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हेमतपुर पहुंची। इस दौरान ग्राम प्रधान अंकित कुमार ने जिला अधिकारी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया और सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक चौपाल का भी आयोजन किया गया। वहीं चौपाल में आए सभी ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के बाद जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि गांव के अंदर कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनका साथ के साथ निवारण किया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए सरकार से बजट पास कराना होगा, उन समस्याओं में थोड़ा समय लग सकता है। लगभग 1300 परिवारों का ये गांव है और इसमें लगभग आबादी 6800 के करीब हैं। आज इस गांव में हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत रोस्टर हमने जारी किया है उसके हिसाब से मुझे इस गांव में आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को सुनना था। और गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं। देखिए, ये जो अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वारा, ये बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ डीएम साहब जो हैं आए हैं तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या है मेन समस्या वो लिख के दी है। हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हमने लिख के दी है और जो भी हमने बहुत सारी समस्या डीएम साहब को लिखित में दी है। अभी हम अधिकारी से बात करके एक दिन गांव में पेंशन के लिए कैंप लगवाएंगे। उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें आयोजित की गई। इनमें से एक बैठक रामनगर में तो वहीं 2 बैठकें नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में आयोजित की गई। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को इन बैठकों के आयोजन की जिम्मेदारी देने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की नीति है, हमने सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। एक बार स्वर्ग आश्रम में गंगा आरती में सभी मेहमान शामिल हुए तो दूसरी बार त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में सभी मेहमान शामिल हुए।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्रियों, सांसद और विधायकों ने उनका स्वागत किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि सभी विदेशी मेहमानों ने पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। ये आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को मिल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे देश भर में G20 के विस्तार को बढ़ाया, हर राज्य को उसकी जिम्मेवारी दी कि वो उसकी मेजबानी करें। हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे यहाँ 3 बैठकें हुई हैं। आप जानते हैं पहली रामनगर में, 2 बैठकें हमारे ऋषिकेश यानी नैनीनगर में हुई है और अंतिम बैठक कल समाप्त हुई है। और मुझे इस बात को लेके बड़ा गौरव होता है कि हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारे विदेशी मेहमान, हमारी जो शैली है अतिथि देव भव वाली, हमने उनका जिस प्रकार से स्वागत किया है, जिस प्रकार से उनको। अल्मोड़ा में ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि ईद की नमाज इमाम जुनेद उल कादरी द्वारा अदा कराई गई। वहीं ईद में विधायक मनोज तिवारी, SDM गोपाल सिंह चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेखर लखचौरा भी मौजूद रहे। एकता के रूप में हम इसे प्रजा को बनाएंगे और एक सबको इसको संदेश देने का काम करेंगे कि भारत निरपेक्ष है, एकता के रूप में भारत की पहचान होती है। धन्यवाद। अल्मोड़ा जिले में मानसून की दस्तक को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए तैयारियों की कवायद तेज कर दी है और सभी तहसील और विकास खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी विनीत तोमर ने मानसून को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न, सड़क और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क मार्गों पर 75 JCP तैनात किए जा रहे हैं। वहीं राशन सामग्री की समुचित व्यवस्था भी की गई है और आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगभग 75 के आसपास जैसे ही हमारी PMGSY और PWD की तैनात की जा चुकी है। 24 आवर्स भी ड्यूटी हम लगा चुके हैं। इरिगेशन और जल संस्थान, जल निगम और UPCL जितने हमारे विभाग हैं सभी 24 आवर्स अलर्ट मोड पे भी हैं। और जो हमारे रिमोट एरियाज रहते हैं, राशन की दुकानें रहती हैं जहाँ पर राशन पहुँचाते हैं हम 3 महीने का, वो सब हमारा पहुँच चुका है। तो हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कभी भी होती है तो हमारी कोशिश रहेगी हम इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स करेंगे। हल्द्वानी में नशे का कारोबार इस कदर फलता फूलता नजर आ रहा है कि गोलापार में बियर बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने DM को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर नवाब खेड़ा में पहले ही एक बार चल रहा है, वहीं अब खेड़ा में दूसरा बार खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इलाके में धार्मिक स्थल और स्कूल होने से इनका संचालन नियमानुसार नहीं किया जा सकता। बार खुलने से गांव में अराजकता का माहौल बढ़ेगा। तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ नशा मुक्त भारत का अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ बार खुलवाने पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बार खोलने से नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। हमको ये है ना, खेड़े के अंदर कुंवरपुर से ऊपर और ये सुल्तानीसी के नीचे को, इतने जगहों में कहीं पर बार, ये बार ना खुलने चाहिए, ना शराब बिकनी चाहिए। घरेलू की शराब भी बिकती है और पुड़िया वाली शराब भी बिकती है, तो उससे हमें दिक्कत है, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत है और हमने तो अपना जीवन काट लिया है, कल के दिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। अब सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो बेटी कहाँ पर बचेगी, कहाँ पर पढ़ेगी? स्कूल के आगे स्कूल के पीछे से बार खुला है। मामले अगर देखे जाए तो मामले बहुत है, पर नशे को जो बात करते हैं नशा मुक्त की, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि गोलापार ग्राम सभा, खेड़ा कहें या देवला मल्ला कहें, देवला तल्ला करें, सीतापुर कहें, दानी मंगर कहें,
तो वहां पर क्या हुआ कि बार की परमिशन लगातार आधे आधे किलोमीटर में तीन बारों की परमिशन अभी उपलब्ध करा दी गई है। तो जहां पर मैं कह रहा हूं सरकार जहां पर बारों के लाइसेंस दे रही है, क्यों ना स्कूल और ये नशा मुक्ति केंद्र और ऐसी चीजें खोले जिससे लाभ मिले। और लगातार बारों की परमिशन मिलने से वहां के युवाओं का मतलब एक मैं अगर बात करूं युवाओं की एक गलत लत में जा रहे हैं। कोई काम इसका सही हो नहीं पा रहा है और सही होता तो बार आ रहा नहीं खुलती, खाली मतलब कहावत है ये है नशा मुक्ति ये है वो है। गोला बार में तीन नदी में तीन वो बार खुली गई साहब, स्कूल बगल में है, अस्पताल बगल में है और ऐसा ही है। बार खत्म होने चाहिए और महिला को बचाओ और बेटी बचाओ वाला आंदोलन है। दिन भर काम करती है महिला और दिन में उस शाम को पति जाके पीके शराब पीके मारपीट करता है और इधर उधर भगते हैं औरतें। खबर हल्द्वानी से है जहां बीती मंगलवार रात मेडिकल क्षेत्र की चौकी में तैनात पुलिसकर्मी गणेश जोशी ने नशे की हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगे ठेले वालों से झगड़ा किया और गाली गलौज करते हुए उनके ठेले में सामान नहर में फेंक दिए। इस घटना से ठेला संचालकों में गुस्से का माहौल है और वे पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं ठेला संचालकों ने पुलिस के आला अधिकारियों से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि ठेला फंड वेडर्स कल्याण समिति से जुड़े तमाम ठेला संचालक कोतवाली पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सवाल किया है कि उस जगह से अतिक्रमण के नाम पर सारे ठेले हटा दिए गए हैं। उन्होंने शिकायत जताई है कि एक अन्य महिला का ठेला ही उस स्थान पर क्यों लगवाया है। कहता अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 बनी हुई है, उसके उपरांत जो है उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जब तक कि सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य और उनको जो है वेंडिंग जोन वगैरह का सारे कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल किया जाए। कल परसों की एक घटना हुई है जो कि एक पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नागरिक द्वारा, जबकि कानून की रक्षा करने का उनका वो है और उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर एक ठेले गिरा दिए। काउंटर नहीं लगा और कह रहा है इस आगे लगे तो उसको कोर्ट की कार्रवाई करनी करेगी और कह रहे हैं वहाँ किसी का ठेला नहीं गया, उनके आगे बोल रहे हैं काउंटर हटवा दिया जाए। बात किसके द्वारा हटाया गया सर? हटवाया नहीं गया, लगवाया गया। कह रहे हैं इसके आगे किसी का ठेला नहीं लगेगा ये बोल रहे हैं वो। और ठेले सब नहर में डाल दिए गए, सभी के खाने वाने का सामान नहर में डाल दिया गया है और बहुत नुकसान करा गया है और सारे खानों का सारा नुकसान हो गया और उसमें खाली काउंटर दूसरों का काउंटर लगवाया, पुलिस वालों ने लगवाया, गालियां दे देकर बक बक के तुम्हें जो करना है वो कर लो, ये कि मतलब काउंटर यही रखा जाएगा, वहीं रखवा गए, आज भी चले गए और वहीं पर रखा है और आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो और का सब बेवकूफ है, सब मतलब पीछे जाएंगे वो आगे रहेगी, ये उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाएगी उसकी, आज तक भी नहीं वो हो रखा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।